नमस्कार, स्वागत है आप सबका लेखक की लेखनी में। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णा के कलाकारों की। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित श्री कृष्ण धारावाहिक के शकुनी मामा की। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित श्री कृष्ण धारावाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाया था जयप्रकाश शर्मा जी ने। जयप्रकाश शर्मा जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गाँव ठाड़ी लाडनू में गरीब घर में हुआ था। इन्हें पोलियो है जिसके चलते ये दिव्यांग हैं। विद्यालय में कविता भाषण इत्यादि में भाग लिया करते थे। शिक्षा के दौरान दिव्यांग होने के कारण इनके साथ ही इन्हें बहुत परेशान करते थे, इसलिए ये पढ़ नहीं सके। इन्होंने योग करना और सिखाना शुरू किया। योगा करते करते इनको एक फायदा मिला कि इनको पैरों में हाथ लगाकर नहीं चलना पड़ता था। सही से चल न पाने के कारण लोग इन्हें शकुनी बोलते थे। जब कुछ समझदार हुए तो इन्हें लगा फिल्म लाइन में पैसा अच्छा है। अभिनय के क्षेत्र में हार आजमाने जेपी शर्मा जी सपनों के शहर मुंबई आ गए। यहाँ से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में जेपी शर्मा जी नाइट सुपरवाइजर के पद पर काम करने लगे। उसी दौरान ये हिंदी ड्रामा से जुड़े और छोटे छोटे रोल करने लगे। इसी दौरान इनकी भेंट हुई शोले फिल्म के जलाल आगा से। जलाल आगा से इन्होंने हिंदी और उर्दू में फर्क करना सीखा। एक दिन एक ड्रामा में इन्होंने किन्नर का रोल किया जिसे काफी पसंद किया गया। इस अभिनय के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार से बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। यहाँ से उन्हें रोल ऑफर होने लगे। इन्हें श्री कृष्णा के वासुदेव यानी कि सुनील पांडे जी ने बड़ौदा जाने का आइडिया दिया था, जिसके चलते बड़ौदा आ गए। जब ये बड़ौदा आए तो उस समय रामानंद सागर जी की धारावाहिक श्री कृष्णा के महाभारत भाग की शूटिंग शुरू होनी थी। यहाँ उनकी भेंट शहनवाज प्रधान जी से हुई, जिन्होंने नंद बाबा का किरदार निभाया था। शहनवाज प्रधान जी ने किसी तरीके से इनकी एंट्री ऑडिशन में कराई। ऑडिशन के दौरान सागर साहब ने इनसे कहा कि हमारे पास हर किरदार के लिए कम से कम चार ऑप्शन हैं। इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, आप शकुनी के किरदार के लिए मेरा कंपटीशन करवा लीजिए, जो जीते उसे रोल दे दीजिएगा, लेकिन ये भी बता देता हूँ कि ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा। उनका ये कॉन्फिडेंस देखकर सागर साहब ने शकुनी मामा का किरदार जेपी शर्मा जी को दे दिया। इस धारावाहिक में उन्हें प्रति एपिसोड 3500 रुपये मिलते थे। यहाँ से उनका गुजारा चलने लगा। श्री कृष्णा धारावाहिक के बाद अलिफ लैला, जय गंगा मैया में गुरु शुक्राचार्य का किरदार, शिरडी के साई बाबा में डंगड़ू का किरदार, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले आंखें सीरियल में विलन का किरदार, एकता कपूर के धारावाहिक कर्मा और साउथ के धारावाहिक टिम्बा रुचा में भी काम किया है। अभिनय से थोड़ा अलग हटें तो उन्होंने एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी जैसे चैनल और बहुत सी हिंदी फिल्मों में डबिंग की है। आखिरी धारावाहिक उनका पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें उन्होंने विलन जयमल का रोल किया था। फिलहाल वह नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और अभिनय की दुनिया से दूर हैं। आशा करते हैं भविष्य में हमें फिर से वो अभिनय करते दिखाई देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।